मध्य प्रदेश के कई कांग्रेस नेताओं को आईटी ने नोटिस भेजकर तलब किया है। इसके बाद सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा यह कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने की भाजपा सरकार की कोशिश है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को इनकम टैक्स का नोटिस पहुंचा तो राजनीतिक माहौल गर्मा गया। नोटिस को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि आईटी ने नोटिस दिया है, ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं? चुनाव आ गया है तो जवाब मांगे जा रहे हैं। आईटी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी दबाव बना रही है। कर विभाग नोटिस दे रहा है तो ठीक है, सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन 5 साल पहले के जवाब आज क्यों मांगे जा रहे हैं? चुनाव आ गए तो दबाव बनाने की राजनीति हो रही है, आपने 5 साल में क्यों नहीं मांगे? तो ये सीधे सीधे आईटी के माध्यम से भाजपा सरकार कांग्रेस के नेताओं को ब्लैकमेल करने की तैयारी में, सरकार उस पर तत्काल कार्रवाई करे। तो जब विपक्ष उठाए या चैनल पे आपके मुद्दे उठे, जब सरकार करे, क्योंकि सरकार जब तक सोती रहती है क्या? कांग्रेस नेताओं को मिले आईटी के नोटिस को लेकर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकारी संस्थाओं को जब जो काम होता है उसमें ना तो कोई दल लिप्त होता है, ना ही कोई पार्टी लिप्त होती है, उनकी अपनी जानकारी होती है, अपने सोर्स होते हैं, जिसके बाद वो एक्शन लेते हैं। सभी संस्था अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही है। कांग्रेस के समय में जरूर संस्थाओं पर पाबंदी लगाई जाती रही होगी, लेकिन बीजेपी सरकार में सारी संस्थाएं स्वतंत्र हैं। देखो, कोई भी नोटिस जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, हम उनकी कोई भी गतिविधियों में ना तो दल लिप्त होता है ना शासन लिप्त होता है, उनकी अपनी जानकारी होती है, अपनी सोर्स होता, अपना एक्शन होता है, ना वो पूछते हैं ना हमको समझते हैं। उनका अपना दायित्व है, निर्वाचन आयोग अपना दायित्व निर्वाह करता है, आयकर विभाग अपना दायित्व निर्वाह करता है, जितनी भी है न्यायपालिका अपना न्याय दायित्व करता है, सब हमसे नहीं चलते। कांग्रेस चलाती होगी, लेकिन हमारे सरकार में सब स्वतंत्र है, जिनके पास जो दायित्व फर्ज है वो अदा कर। आईटी के नोटिस पर कांग्रेस विधायक विक्रांत बुरिया ने कहा कि सरकार डरी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ आए, हमने मांग की कि झाबुआ के रहवासियों को नर्मदा का पानी मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, पर शाम आते आते ये सब तो नहीं आया, लेकिन आईटी के नोटिस हमारे पास आ गए। सरकार सोच रही है कि हम डरने वाले हैं, लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं है। हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। 21 तारीख को हम दिल्ली में पेश होंगे, जवाब मांगे जाएंगे तो हम वो जवाब देंगे। देखिए, ये साफ है कि जिस तरह से ये सरकार डरी हुई है, कल नरेंद्र मोदी जी झाबुआ आए और झाबुआ में उनसे हमने मांग करी कि झाबुआ जिसको नर्मदा का पानी मिले, रोजगार मिले, युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी में बने, पर शाम आते आते उन्होंने आयकर का नोटिस थमा दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत डरी हुई है और ये सोचते हम डर जाएंगे। हम डरने वाले नहीं, डट कर सामना करने वाले लोग हैं और हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। पूरे ताकत से जो भी उन्होंने जवाब मांगे वो जवाब देंगे। 21 तारीख को उन्होंने दिल्ली में पेश होने के लिए बोला है, हम दिल्ली में पेश होकर और अपना जो सवाल करेंगे उसका जवाब भी प्रस्तुत करेंगे। पर बात साफ है कि ये ईडी, सीबीआई और पूरी ताकत लगाएंगे लोकसभा चुनाव के पहले। और सिर्फ कांग्रेस के लोगों को या नेताओं को क्यों नोटिस आए हैं, आना चाहिए तो सबके आना चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें पक्षपात दिखता है। और जिस तरह से मोदी जी ने कल गारंटी दी कि मैं मध्य प्रदेश में आदिवासियों की रक्षा करूंगा, और शाम आते आते वो गारंटी तक नहीं टिकी। और ये जो नाम आ रहा है कि जिस तरह बैतूल में हमारे आदिवासी भाई को जूते चप्पल से मारा गया, मुर्गा बनाया गया, ये पूरे समाज का अपमान करा इन लोगों ने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।